मैं म्यूनसिपल कमेटी अरनिया से चेयरमैन रमेश सैनी, हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे एससी मोर्चा के प्रधान जंग बहादुर जी, हमारे मंडल के वाइस प्रधान नरेंद्र गोपाल जी और हमारे युवा प्रधान सचिन कुमार जी। हमने कुछ दिन पहले हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने एक दौरा किया था। हमने काफ़ी चीज़ों की जहाँ पर कमी महसूस की कि जो लोगों की सुविधा के लिए जरूरी चीज़ें चाहिए थी, हमने सबने मिलकर ये प्रयास किया और ये लोगों के लिए कि जहाँ पर एक मेडिसिन की कमी थी, जहाँ स्ट्रेचरों की कमी थी, बेड सीटों की कमी थी और बेड की कमी थी, मेडिसिन की कमी थी, हमने प्रयास किया और हमने अपने हाई कमांड से, भाजपा के हाई कमांड से हमने बात की और भाजपा के पूर्व के मंत्री श्री सतपाल सिंह जी और पूर्व विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी, उनसे हमें ये कहा कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो लोगों की सुविधा से लोग मेडिसिन से वंचित हैं और उनको ये पूरी सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए जल्दी से हमारी ये सुविधा जो बहाल की जाए। उनके कहने पर उन्होंने ये डॉक्टर साहब से हेल्थ डिपार्टमेंट से बात की और हमने भी वो बात की और ये सब ने हमने ये प्रयास किया और उनके कहने पर ये हमारी ये मेडिसिन आई और ये लोगों को पूरी सुविधा मिलने जा रही है। और मैं इन्हीं अपने मंत्री साहब का, शास्त्रीय शर्मा साहब का और अपने पूरे विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा साहब का, हमारी टीम पूरे दिल से उनका धन्यवाद करती है और आने वाले समय में यही कहती है कि हमारे जो जितने भी जो मेडिसिन के प्रति जो काम हो, जो हमारे जो टोन की जो जितनी भी प्रॉब्लम हो, हम उनको जो हाई कमांड को जहां पर हमारा जो पब्लिक दरबार लगता है वहां पर हम हाईलाइट करेंगे और जो भी हमारी सुविधा से, हमारी लोगों की सुविधा से वंचित लोग, उनको हर सुविधा से प्रोवाइड किया जाए। आज हम जहां पर सारा हमारी टीम जहां पर इकट्ठी होकर हमने जहां पर दौरा किया और जहां के मेडिसिन भी देखी, हर स्ट्रेचर भी देखे और हमारे बेड सीट भी देखे, बेड भी देखे और मैं सभी अपने आवाम के, हमारे क्षेत्र के लोगों को मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं। ये कहता हूं कि आने वाले समय में जितनी भी मेडिसिन की कमी जो हमारे क्षेत्र में होती थी वो आने से नहीं होने देंगे, हर प्रयास हम पूरा करेंगे जो लोगों को हर सुविधा दी जाएगी। और आज जो हमारे बीएमओ साहब, जो हमारे मेडिकल अफसर हैं, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जहाँ के जो प्रशासन है, जहाँ के डॉक्टर है, जहाँ का स्टाफ है, छोटा स्टाफ है, बड़ा स्टाफ है, सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं और ये इनसे यही कहते हैं कि अच्छा प्रयास करें और लोगों को हर सुविधा से सुविधा दी जाए। जय हिंद, जय भारत।